दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश को राज्य सभा का बीजेपी सचेतक बनाया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दीपक प्रकाश बनाए गए हैं राज्यसभा में बीजेपी के सचेतक। दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का जताया है आभार। नए दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, दीपक प्रकाश का कहना है। झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद है दीपक प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दीपक प्रकाश। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां दीपक प्रकाश बनाए गए हैं राज्यसभा में बीजेपी के सचेतक। दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है, साथ ही कहा कि नए दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद है दीपक प्रकाश। आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दीपक प्रकाश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दीपक प्रकाश बनाए गए हैं राज्यसभा में बीजेपी के सचेतक। दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है, साथ ही कहा है कि नए दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद है दीपक प्रकाश। वहीं आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दीपक प्रकाश, और अब दीपक प्रकाश को बीजेपी की तरफ से नई भूमिका मिली। आपको बता दें दीपक प्रकाश बनाए गए हैं राज्यसभा में बीजेपी के सचेतक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का इसको लेकर के आभार जताया है, साथ ही कहा है कि नए दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। आपको बता दें झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद है दीपक प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं दीपक प्रकाश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजनीतिक गलियारों से, जहां दीपक प्रकाश बनाए गए हैं राज्यसभा में बीजेपी के सचेतक। दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है, साथ ही कहा है कि नए दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश बीजेपी के झारखंड से राज्यसभा सांसद है, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दीपक प्रकाश। इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, दीपक प्रकाश को एक और नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अनिकेत, दीपक प्रकाश पूर्व में भाजपा के झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हाल के दिनों में उनको बिहार की बड़ी जिम्मेवारी दी है, सब प्रभारी भी उनको बनाया गया है। तो लगातार बीजेपी में दीपक प्रकाश का कद बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद है और उनको जो है पार्टी ने सचेतक बनाया है। तो देखिये सचेतक की बहुत बड़ी भूमिका होती है सदन की कार्यवाही में, कि सदन की कार्यवाही कैसे चले, सदन में जो सांसदों की भूमिका क्या होगी, उनका जो भूमिका के साथ साथ वो अगर विरोध करते तो किस तरीके से विरोध करेंगे, कहीं उनका आक्रामक रवैया ना रहे, सदन की जो मर्यादा है वो मर्यादा बने रहे, इन सभी चीजों का ध्यान रखने वाला को ही सचेतक बनाया जाता है। और इसीलिए बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष है उनको सचेतक बनाया गया, ताकि उनकी एक जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि सदन की कार्यवाही में महत्वपूर्ण रोल होता है सचेतक का। तो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का बीजेपी में कद बढ़ा है और हाल के दिनों में लगातार उन पर बीजेपी ने भरोसा जो है बढ़ता जा रहा है, चाहे वो सब प्रभारी के रूप में हो या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान भी, लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे राज्यों के भी वो प्रभारी रहे। ऐसे में जब विधानसभा के चुनाव के निमित्त भी उनको सब प्रभारी बनाया गया, साथ ही साथ अब सदन की कार्यवाही के लिए उनको सचेतक बनाया गया, तो जिम्मेवारी उनकी लगातार बढ़ रही है और भरोसा लगातार बीजेपी का इन पर बढ़ रहा है। देखिए जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे दीपक प्रकाश, और उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव आया, बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब ऐसे कयास लगने लगे कि दीपक प्रकाश का राजनीतिक जो है वो संकट आ गया, उनको राज्यसभा सांसद सिर्फ वो रहेंगे, पार्टी अब उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं देनी जा रही है। लेकिन लगातार जो है दीपक प्रकाश का कद बढ़ा है और लगातार बीजेपी का भरोसा भी इन पर बढ़ा है। अनिकेत जी, बिल्कुल, उनका कद बढ़ा है, उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने कहा है कि वो बड़ी ईमानदारी से इसका निर्वहन भी करेंगे और पार्टी के हित में कार्य करेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए चित्रंजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक प्रकाश को राज्यसभा का सचेतक बनाया गया है बीजेपी की तरफ से और उन्हें नई जिम्मेदारी भी दी गई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे TV45 के साथ। नमस्कार।